हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम किस तरह से जो अपने ट्रेन के टिकट है वो बड़ी ही आसानी से घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, IRCTC का ऐप डाउनलोड करना है और इसे ओपन करना है। फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप 2 से 3 मिनट में कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हो अगर अवेलेबल हो। तो जो प्लान माय जर्नी है, ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें कहां से कहां जाना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं मुंबई दिल्ली, और हमें कहां जाना है, मुंबई जाना है हमें, ओके। उसके बाद जो डेट में हमें जाना है, डिपार्चर डेट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, हमें कब जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ September 8 को, ओके करते हैं। उसके बाद सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो जो ट्रेन अवेलेबल होगी आपको वो ट्रेन बता देंगी उस डेट पे, और उसमें कौन कौन से कोचेस में जो सीट्स अवेलेबल है वो भी आपको बता देंगे। जो भी हमें अगर समझिए 3rd AC में जाना है, 2nd AC में जाना है, जिसमें भी जाना है उस पर क्लिक करना है हमें, ओके। और हमें जो ये पैसेंजर डिटेल है वो हम उस जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमसे जो लॉगिन पूछेंगे फ्रेंड्स हमें ये, और ये जो कैप्चा है हमें ये भी यहाँ पे फिल कर देना है कैप्चा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ये वेरीफाई होगा। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे आप क्लिक कीजिए, आई एग्री कंफर्म। इसमें हमें बताएगा फ्रेंड्स कि जो कंसेशन टिकट है, कोटा है, वो स्पेशल ट्रेनें चल रही है कोरोना की वजह से, तो कुछ भी अलाउड नहीं है। आप ओके पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको एक बार पूरा रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको सब चीज़ बता देगा कि आपने कौन सी ट्रेन चूज़ की है, कौन सी डेट है, और आपको कहाँ से कहाँ पे जाना है फ्रेंड्स, और वो कहाँ छोड़ेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, नीचे आके जो सेलेक्ट पैसेंजर में एड न्यू पे क्लिक करना है। नेम की जगह उसका नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम लिख देते हैं रोहित, एज 30 लिख देते हैं, ओके। मेल, नेशनलिटी इंडियन। अगर आपकी कोई प्रीफर बर्थ आपको सेट करनी है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, अपर लोअर मिडल जो भी है। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक पैसेंजर ऐड हो गया। इसके बाद ऐड न्यू करके आप और भी पैसेंजर्स ऐड कर सकते हैं, हम वो नहीं करते फ्रेंड्स। इसके बाद हम सीधा नीचे आते हैं, और इसके बाद जो यहाँ पर योर डेस्टिनेशन एड्रेस है ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हम डेस्टिनेशन लिख देते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिल्ली, ओके। लाइन 2 ये ऑप्शनल है। पिन कोड जो आपको डालना हो आप डाल दीजिए, ओके। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, और आप यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस का पूछ रहा है फ्रेंड्स, डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। 0.49 पैसा है, आपको लेना हो तो ले सकते हैं, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नहीं लेना है तो नो, आई डोंट वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक कीजिए, और रिव्यू में डिटेल्स पे देखिए। आपको एक बार पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो अवेलेबल करवा देंगे ये। उसके बाद आप ये जो प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कीजिए। उससे पहले आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, प्रोसीड टू पे पे जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे आप बस यस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और इसके बाद आपको जो भी अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है,
यहां से अपना वो पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद पे हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपके जो टिकट्स हैं अगर वो कंफर्म होंगे तो कंफर्म हो जाएंगे, अगर वो वेटिंग लिस्ट में चल रहे होंगे और आपने किया तो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए। बाय।